हे गाइस, वेलकम टू बैटरी गुरुजी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अभिषेक और आज हम लोग करने वाले हैं अपना Q&A सेशन, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट वीक कि एवरी वीक अब मैं आप लोगों के लिए लेकर आया करूंगा Q&A सेशन, जिसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो होगी। एवरी वीक आप लोगों के साथ ये सेशंस होगा और इसके अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा अपने आंसर्स और क्वेश्चंस होंगे आपके। मींस आप जितने भी क्वेश्चंस पूरे वीक में पूछेंगे मुझसे कमेंट बॉक्स के अंदर, किसी भी वीडियो के अंदर, उसके आंसर मैं एक सेपरेट वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सो आज है हमारा फर्स्ट Q&A, सो इसको कर लेते हैं सबसे पहले स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है संतोष कुमार जी ने। उनका कहना है कि 100 AH की बैटरी का प्राइस कितने तक का होता है मिनिमम। सो 100 AH की जो बैटरी आती है वो मिनिमम आपको कॉस्ट करते हैं 6700 रुपीज़ एमरॉन की, अगर आप ब्रांडेड में जाते हैं तो। वहीं अगर आप लोकल वगैरह में जाते हैं तो वो आपको लेस प्राइस में भी कॉस्ट कर जाती है। वहीं सेकंड क्वेश्चन पूछा है सुरधीर गुर्जर जी ने। वो पूछते हैं भाई जैसे फ़ैन को सबसे कम स्पीड पर चलाते हैं तो क्या वो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करते अगर साइन वेव इन्वर्टर होता है तो। सो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप साइन वेव इन्वर्टर परचेज करते हैं तो आपको जो हमिंग साउंड होती है वो नेग्लिजिबल होते हैं, मीन्स ज़ीरो। आपको उसके अंदर कोई भी साउंड महसूस नहीं होगी फ़ैन के अंदर, चाहे आप उसको 5 स्पीड पर चलाओ चाहे आप उसको 0 पर चलाओ। वहीं थर्ड क्वेश्चन पूछा है रेमो फनटेक जी ने कि माइक्रोटेक का EB958 नहीं होता ब्रदर, 950 होता है। तो उन्होंने पूछा है कि ये जो इन्वर्टर है ये बेस्ट है या फिर 1075 माइक्रोटेक का EB ये बेस्ट है। सो मैं आपको ये बता दूं कि दोनों ही इन्वर्टर बेस्ट हैं, दोनों ही EB कैटेगरी जो इनकी आती है उसी के अंदर आते हैं, और ये डिपेंड करता है कि आपको कितने वोल्टेज का इन्वर्टर चाहिए। सो अगर आपके लिए 950 वाला अच्छा है तो आप वो बाय कर सकते हैं, अगर आपका 1075 वाला आपको यूजेबल लगता है तो आप वो भी बाय कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है राहुल ठाकुर जी ने, ये पूछते हैं भाई मेरे पास ओल्ड फोर्ड फीगो है 2011 डीजल मॉडल, कोई बेस्ट प्राइस लो बैटरी आप सजेस्ट करो। तो ब्रदर इसके अंदर बैटरी आती है DIN44 एमरॉन की बैटरी, ये अप्रॉक्सीमेट आपको कॉस्ट करेगी 3800 रुपीज़ अगर आप एमरॉन की परचेज करते हैं। वहीं अगर आप लिपगार्ड वगैरह की परचेज करते हैं तो आपको और भी 100-200 रुपये कम प्राइस में मार्केट के अंदर मिल जाएगी। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं सक्षम सानप्रीत सर, मुझे 10 LED बल्ब और फैन चलाना है, बैकअप 8 से 10 घंटे का चाहिए, इन्वर्टर बैटरी कौन सा लूँ, कितने एज की बैटरी लूँ। सो इसके लिए मैंने आप लोगों को हमेशा ये बताया कभी भी आपकी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट हो आप सिर्फ मुझे व्हाट्सएप पर एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, कॉल्स मैं रिकमेंड नहीं करता हूं क्योंकि हम लोग भी अपने काम में होते हैं। तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज जब ड्रॉप करेंगे तो आपको आंसर्स उसके ज़रूर मिल जाएंगे। सो यहां पर मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि ये परचेज करें ल्यूमिनस का 1050 प्योर साइन वेव इन्वर्टर जो अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट करता है 5200, और इनको बैकअप चाहिए 8 से 10 घंटे कॉन्टीन्यूसली, तो कम से कम आपको जो बैटरी इसके अंदर लगानी पड़ेगी वो 200 AH की आपको बैटरी इसके अंदर कम से कम लगानी पड़ेगी। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन दिव्यांश पारिक, बुलेट की 14 AH की बैटरी कितने की है। सो गाइज मैं आप लोगों को बता दूं कि 14 AH के अंदर जब भी आप बुलेट के लिए क्वेश्चंस पूछते हैं तो हमेशा एक चीज़ आप याद रखें कि बुलेट के अंदर 14 AH में दो मॉडल्स आते हैं, एक 14 LV और एक आता है आपका ETX 14। सो दोनों के अंदर बहुत डिफरेंस है, प्राइजेस के अंदर भी कम से कम 1000 रुपये तक का डिफरेंस है। सो हमेशा अपनी बाइक के अंदर सबसे पहले चेक करें कौन सा मॉडल है, उसके बाद आप एग्जैक्टली प्राइस पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहना चाहूँगा सबसे पहले आप ये देखें कि उसके अंदर कौन सा वेरियंट है, उसके बाद आप कॉमेंट ज़रूर करें, आपको आंसर ज़रूर मिल जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा है बुलेट के लिए ही बैटरी फॉर थंडरबर्ड 500 CC, इसके अंदर जो बैटरी आती है वो ETX 14 आती है जो एक्साइड के अंदर ही सिर्फ अवेलेबल मिलती है 2 साल की वारंटी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विवेक श्रीवास्तव जी ने, ये पूछते हैं कि लाइफ मैक्स अच्छा है या फिर इन्वर लास्ट बैटरी अच्छा है। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये वारंटी का सिर्फ यहाँ पर आपको मैटर देखने के लिए मिलेगा, बाकी जो लाइफ है अप्रॉक्सीमेटली वो लाइफ मैक्स की ज़रूर ज़्यादा है, बट अगर आप मेंटेनेंस ठीक से करते हैं तो दोनों ही बैटरी के अंदर आपको अच्छी लाइफ मिल जाएगी। वहीं यहाँ पर आप अपना बजट वाइज भी देख सकते हैं, दोनों में से कोई भी आप बैटरी परचेज कर लो जितना आपका बजट है। अगर आपका लाइफ मैक्स का बजट है तो आपको 17000 रुपये के आसपास से मार्केट के अंदर मिल जाएगी, और वहीं आपको ये जो कॉस्ट करेगी इन्वर लास्ट वो 14000 रुपये के आसपास कॉस्ट करेगी। सो अगर आपको बजट वाइज कोई दिक्कत नहीं है तो आप लाइफ मैक्स की तरफ जा सकते हो, अगर बजट कम है तो आप इन्वर लास्ट या फिर शक्ति चार्ज भी ले सकते हैं। वहीं अभिषेक गुप्ता जी ने क्वेश्चन पूछा है कि भाई जोल्ट पर वीडियो और जोल्ट और जीलियो में क्या डिफरेंस है, इस पर एक वीडियो जरूर बनाओ। सो ब्रदर
नेक्स्ट मंथ जब लॉकडाउन ओपन हो जाएगा उसके बाद मैं आप लोगों के साथ ये वीडियोस भी शेयर करने वाला हूँ। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रमन कुमार जी ने, 220 AH की लुमिनस की कैसी रहेगी बैटरी। सो मैं आपको ये रिकमेंड कर दूं कि लुमिनस की जो बैटरी है 220 AH, ये रूरल एरियाज़ के लिए ही ज़्यादा होती है जहाँ पर पावर कट एक्सट्रीमली ज़्यादा है। सो अगर आपको 220 AH की बैटरी की नीड है तभी आप इसको परचेज़ करें। साथ ही लुमिनस के अंदर स्पेसिफिक मॉडल्स आते हैं 220 AH की, अगर आपको 220 AH चाहिए तो आप लुमिनस की बाय कर सकते हैं अदर ब्रांड्स को छोड़कर। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अभिषेक सिंह रावत ने, ये पूछते हैं कि अभी एक मंथ पहले बैटरी ली और वो डिस्चार्ज हो जाती है, बार बार परेशान हो गया। सो मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि मैंने इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाई है, बाइक की बैटरीज बार बार नई बैटरी लगवाने के बाद भी क्यों डाउन होती रहती हैं, तो इसका मैंने स्पेसिफिकली एक आंसर आपको 4 मिनट की वीडियो के अंदर दिया है। चैनल के ऊपर जाओ और वहाँ पर आपको इसका स्पेसिफिक आंसर ज़रूर मिल जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है पालन पोषण ने, ये पूछते हैं कि इन्वर्टर में कब कब पानी का लेवल चेक करना चाहिए। तो मैं आपको ये आंसर देना चाहूँगा कि इन्वर्टर के अंदर आपको अगर आपके पास ट्यूबलर बैटरी लगी हुई है तो साल में 2 बार आप चेक कर सकते हैं, इंडिकेटर जब नीचे है तब आपको पानी इसके अंदर फिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं राहुल धवाले, ये पूछते हैं ग्रैंड आइटन पेट्रोल 2014 की कौन सी बैटरी बेस्ट है। सो मैं आपको रिकमेंड करूँ कि इस जैसे आपका हो गया ईऑन, साथ ही आई10 और एक मॉडल वरना पेट्रोल के अंदर और i20 न्यू वाले मॉडल के अंदर भी अब ये वाली बैटरी आ रही है। इसके लिए एक स्पेसिफिक मॉडल आता है 40B20, अली अप्रॉक्सीमेटली आपको 3200 रुपये के आसपास कॉस्ट करेगी मार्केट के अंदर पुरानी देने के बाद। सो आप एमरॉन की बैटरी यहाँ परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विवेक ने, ये पूछते हैं नमस्ते सर, सर मुझे लैपटॉप और फ़ोन चार्ज करने के लिए इन्वर्टर लेना है जिसका बैकअप 6 से 7 घंटे हो, प्लीज़ सर एक अच्छा सा इन्वर्टर और बैटरी सजेस्ट करो जो कि 20,000 रुपये के अंदर आ जाए। सो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप अगर आपको सिर्फ लैपटॉप और फ़ोन ही चार्ज करना है तो आप ज़्यादा बजट इंक्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक नॉर्मल इन्वर्टर जो कि 850 VA आता है साइन वेव के अंदर ही परचेस करना, क्योंकि आपको लैपटॉप और फ़ोन चार्ज करने हैं तो आप 850 साइन वेव में परचेस कर सकते हैं और 135 VA की भी आप बैटरी लगा सकते हैं, तब भी आपको अप्रॉक्सीमेटली 10 घंटे तक का बैकअप मिल जाएगा और जो कॉस्ट है वो भी आपके रिड्यूस होकर 12 से 13,000 रुपये के अंदर आपको दोनों ही चीज़ मिल जाएंगे। वही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मिस्टर चौहान ने, विच बैटरी ब्रांड डू यू रिकमेंड फॉर दिस इन्वर्टर। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लुमिनस की बैटरी परचेज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सुशांत प्रधान ने, ये पूछते हैं लुमिनस जीलियो प्लस कितनी बैटरी एज तक सपोर्ट करता है। सो लुमिनस का जो जीलियो है वो आपका 220 AH तक की बैटरी सपोर्ट करता है, आप 220 AH तक की बैटरी इसके अंदर लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है निकेश पी ने, ये पूछते हैं सर मेरे यहाँ पर लाइट बहुत बहुत कम जाता है तो मैं लुमिनस का 150 AH रेड चार्ट बैटरी लूँगा 36 मंथ वाला, तो मुझे कितने ईयर चलेगा। सो मैं आप लोगों के बता दूं कि चलने वाली जो बात होती है, काफ़ी क्वेश्चन मेरे पास आते हैं इसके लिए मैं एक स्पेसिफिक वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर बनाऊंगा। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि जो टाइम होता है बैटरी का वो 5 से 6 साल अप्रॉक्सीमेटली बैटरी चल जाती है अगर आप मेंटेनेंस उसकी करते हैं। अगर एक बार भी बैटरी का जो पानी है वो सूख गया तो उसके बाद जो आपकी बैटरी की लाइफ है वो 20 से 30% लेस हो जाती है। सो हमेशा ये याद रखें साल में 2 बार बैटरी का पानी ज़रूर चेक करें, चाहे उसको नीड हो या ना हो एक बार बैटरी का जो लेवल इंडिकेटर्स हैं वो ज़रूर चेक कर लें, चाहे टॉप अप करने की आपको ज़रूरत ना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अनिल कुमार पटेल ने, ये पूछते हैं माइक्रोटेक का 24/7 HP 1275 प्योर साइन वेव है या फिर मॉडिफाइड साइन वेव है। सो मैं आप लोगों को ये चीज़ बता दूं, मार्केट के अंदर काफ़ी लोग ऐसे हैं कि इसको साइन वेव बोलकर बेचते हैं, बट ये जो सीरीज़ है ये हाइब्रिड सीरीज़ है। अगर आप प्योर साइन वेव की बात करेंगे तो वो इससे ऊपर कैटेगरी आती है। ये जो इन्होंने पूछा 24/7 HP हाइब्रिड है ये मॉडल और ये प्योर साइन वेव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है नितिन सरवैया ने, ये पूछते हैं भाई मेरे पास एक्सेस 125 मॉडल 2010 है, उसमें एयर हॉर्न और LED लैंप्स है, कौन सी बैटरी लगवाएं। सो गाइज मैं आप लोगों को बता दूं काफ़ी क्वेश्चन इसके भी आते हैं कि स्कूटी के अंदर लोग सोचते हैं कि बड़ी बैटरी लगवा लें, बट वहाँ पर आप 1-2 एम्पेयर की बैटरी फालतू लगवा सकते हैं, बट उसके अंदर भी चांसेस ये होने चाहिए कि आपके पास केस बड़ा होना चाहिए। जितने भी स्कूटर्स बाइक्स आ रहे हैं वो एकदम स्पेसिफिक स्टैंडर्ड साइज़ के हिसाब से बैटरी के हिसाब से ही उसके अंदर केसेस आ रहे हैं, आप उसके अंदर कोई भी बड़ी बैटरी नहीं लगवा सकते। रीज़न बिंग कि अगर आप बड़ी बैटरी परचेज करते हैं तो उसकी डिमेंशन बढ़ जाएंगी और आपकी वो बैटरी फिट नहीं होगी, तो ये बात ज़रूर याद रखना। सो गाइस ये थे इस वीक के सारे ही क्वेश्चन जिसके मैंने आप लोगों के आंसर्स दे दिए हैं। सो अगर आपके कोई और भी आंसर क्वेश्चंस होंगे तो आप मेरे साथ इस वीक शेयर कर सकते हैं, सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर
मिल जाएंगे। सो गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बी सेफ एंड बाय बाय।